डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टॉपिक चल रहा था फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें आपने बात कर ली थी कि अम्लीयता। अब फिनोल की जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता है, उसके निम्न कारण होते हैं। वो कौन कौन से कारण होते हैं, उनमें पहले कारणों की मैं बात कर रहा हूँ, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति का कारण। उसमें क्या होता है, अनुनाद प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि फिनोल जो होता है उस फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है उस पर लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जो इस बेंजीन वलय के पाई बंद के साथ कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन में होता है। किस प्रकार से संयुग्मन में होता है, देखिए अनुनादी संरचना फिनोल है OH, इस ऑक्सीजन पे क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर। इसका जैसे ही अनुनाद होता है यहां से क्या होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस शो होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे OH ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH ये आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में OH पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका OH, जो आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल था फिनोल का वही यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ये था आपका फिनोल, और ये फिनोल की क्या बनी है, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं, इसमें आवेश जो है उसका पृथक्करण होने लग जाता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें फिनोल जो है, फिनोल में जो OH समूह उपस्थित होता है, ये वाला OH समूह, इस OH समूह पर क्या उपस्थित होता है, ये लोन पेयर उपस्थित यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में उपस्थित इस पाई बंध के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, और इस अनुनाद प्रभाव के द्वारा इस बेंजीन वलय की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर, जिसके कारण OH समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जैसे ही OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित होता है तो OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, इस ऑक्सीजन परमाणु की तरफ विस्थापित होने लग जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन जो परमाणु है H+ I के रूप में उसका आसानी से निष्कासन होने लग जाता है, जो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है उसको अनुनाद प्रभाव के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।